बहुत गंदा नहीं दोस्तों, है, अभी बहुत पहाड़ गंदा चढ़ते ड्रिंक चढ़ते ही करता बेचारा हिल गया है। है। 80 का स्पीड में चला था। अभी हम लोग पहुँचे यहाँ पे और देखिए क्या क्या घूमने का जगह है। तो ये देखिए हम लोग अभी चलेंगे मछली पॉइंट और जलजली और बूढ़ा नाक, तीन घूम के आते हैं, उसके बाद चलेंगे। और दोस्तों अभी हम लोग छत्तीसगढ़ का मैन पार्ट में पहुंच गए हैं और यहाँ पे सबसे दिखाई दे रहा है। तो हम लोग देख सकते हैं घाटी, और अभी हम लोग पहाड़ ऊपर चढ़ चुके हैं और नीचे बहुत सारा रोड दिखाई दे रहा है, लेकिन आप लोग को बहुत दिखाई नहीं दे रहा है। हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब? तो हम लोग निकल चुके हैं अभी न्यू जर्नी पे। आप देख सकते हैं कौन कौन है हमारे साथ। ये है सुल्तान भाई, शुएब, और हम लोग बाइक में निकल चुके हैं पूरा अपना टेंट का सामान लेके। और हम लोग अभी घने जंगल में हम लोग मैप का सहारा लेके निकले हुए हैं। और देख सकते हैं अभी जो रास्ता हम लोग को वो इस टाइप का रास्ता मिल रहा है, और हम लोग इसमें फंसते फंसते रुक रुक के काफ़ी एडवेंचर होने वाला है, क्योंकि देख सकते हैं हम लोग पूरा सेटअप के साथ जा रहे हैं बाइक में। तो चलिए मिलते हैं रास्ते में और दिखाते हैं आप लोगों को पूरा रास्ते का व्यू। दोस्तों अभी हम लोग बीच घना जंगल में रुके हुए हैं और यहाँ पे हम लोगों को एक छोटा सा वाटरफॉल दिखा, इसलिए आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए गाइस, हम लोग अभी इस रोड से आए हैं और यहाँ का जगह नहीं पता, लेकिन देखिए यहाँ पे पानी कितना अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे तो देख सकते हैं इस तरफ से पता नहीं कहाँ से पानी आ रहा है, और ये एक छोटा सा पुल है और इस तरफ पानी गया हुआ है। तो देखिए काफ़ी सुंदर लगा, इसलिए हम लोग रोक के थोड़ा सा बना रहे हैं। तो गाइस अभी तक का ब्लॉग में से ये ब्लॉग बहुत ही मस्त होने वाला है, तो आप लोग प्लीज़ बने रहिएगा। और अभी हम लोग लगभग छत्तीसगढ़ बॉर्डर पहुंचने वाले हैं। अभी हम लोग का प्लान एक सप्ताह का है, तो हम लोग अभी बहुत सारा ब्लॉग आएगा हम लोग का। तो देख लीजिए ये हम लोग का पूरा एडवेंचर वाला ब्लॉग। क्या जी कैसा लग रहा है एकदम? और देखिए मौसम तो एकदम पूरा बादल बादल है, काफ़ी सुंदर लग रहा है। नहीं ये थोड़ा सा पानी थोड़ा गंदा है, तो इसलिए हम लोग नहीं नहाएंगे अभी यहाँ पे, साफ पानी में नहाएंगे। बस अभी हम लोग रुके हुए हैं कुनकुरी में, और देख सकते हैं इधर हम लोग होटल में नाश्ता करने के लिए आए थे। इतना खा लिया कि इसका दांत में ही फंस गया। क्या खाया थी? मेरा फेवरेट। अच्छा ये जो है ना, ये चना भटूरा, और हम लोग के लिए ले दिया है सिर्फ, इसी को खा के हम लोग जिंदा रहे, है ना? हमको भी दिया है, हमको भी यही दिया है। गाइस देखिए ये है, अभी कुनकुरी में हम लोग पहुँचे हैं। अभी हम लोग को और 100 किलोमीटर आगे जाना है, तो अभी आप लोग वीडियो में बने ही रहिएगा, क्योंकि हम लोग एक खूबसूरत लोकेशन की तरफ जाने वाले हैं, तो वीडियो में काफ़ी मज़ा आने वाला है। दोस्तों अभी हम लोग छत्तीसगढ़ का मैन पार्ट में पहुँच गए हैं और यहाँ पे सबसे दिखाई दे रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं घाटी, और अभी हम लोग पहाड़ ऊपर चढ़ चुके हैं और नीचे बहुत सारा रोड दिखाई दे रहा है, लेकिन आप लोग को बहुत दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों देखिए एकदम घने जंगलों के बीच, और यहाँ पे बंदर लोग भी दिखाई दे रहे हैं, और हम लोग अभी बहुत ही ऊपर चढ़ गए हैं। जिस तरह हम लोग का झारखंड का नेतरहाट है, उसी तरह हम लोग का ये छत्तीसगढ़ का भी मैन पार्ट है। तो फिलहाल हम लोग का ये पहला जर्नी है, और हम लोग देखते हैं हम लोग का पहला जर्नी कैसा होता है और ये किस तरह का है। रोड भी काफ़ी ख़तरनाक है और टर्निंग भी है, और यहाँ पे बंदर भी दिखाई दे रहा है। फिलहाल अभी नहीं दिखा हम लोग को, दो चार ही दिखा है, और यहाँ पे हम लोग को लग रहा है ठंड। तो अब देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे कैसा है। वैसे मैन पार्ट को छत्तीसगढ़ का शिमला बोला जाता है, अब देखते हैं हम लोग कि यह कैसा शिमला है। तो वाइस बने रहिए ब्लॉग में, और आप लोग को दिखाते हैं एक बंदर, जो कि पेड़ में दिखा है बंदर, भाग गया हम लोग को देख के। तो दोस्तों अभी हम लोग घाटी से अभी नीचे उतर चुके हैं, नीचे उतर रहे हैं। यहाँ पे कुछ कुछ थोड़ा सा लोकेशन दिखाई दे रहा है हम लोगों को, यहाँ पे कुछ लोग पिकनिक मना रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे नदी बह रहा है। और हम लोग आगे जा रहे हैं,
अरे यार पूरा भरा हुआ है। आने रुक तो रहे हैं। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं छत्तीसगढ़ का शिमला में और हम लोग को लग रहा है ठंडा और हम लोग जैकेट वैकेट कुछ लेके आए नहीं है। देखिए टर्निंग है कितना घना एकदम और ये देखिए अभी हम लोग इस तरफ आए ऊपर से और अब हम लोग जा रहे हैं नीचे और इस तरफ देखिए कितना गजब का सीन है। हम लोग वहीं पे टेंट लगाएंगे और वहीं पे रुकेंगे रात में अगर हम लोगों को रूम नहीं मिला तो। और देखिए रोड कितना एकदम डेंजर वाला जोन में है, काफ़ी सुंदर सी अति सुंदर। देखिए दोस्तों अभी पहाड़ चढ़ते चढ़ते ही बेचारा हिल गया है, 80 का स्पीड में चला था। अभी हम लोग पहुँचे यहाँ पे और देखिए क्या क्या घूमने का जगह है। तो ये देखिए हम लोग अभी चलेंगे मछली पॉइंट और जलजली और बूढ़ानाक, तीन घूम के आते हैं उसके बाद चलेंगे। और तो इस रास्ता से हम लोग को जाना है आगे। ठंडा से तो हालत ख़राब हो चुका है हम लोग का। ठंडा से तो हम लोग पहले चलते हैं आगे उसके बाद इधर आएंगे, है ना। तो बने रहिए वीडियो में, करिए एंजॉय। दबा काफ़ी सुंदर सुंदर सीन जो है दिखाई दे रहा है यहाँ पे, एकदम खूबसूरत सा नज़ारा दिख रहा है। बहुत ही सुंदर। तो गाइस अभी मेन पार्ट का हम लोग पहुँच चुके हैं। ये जो है तिब्बत कैंप है यहाँ पे। तो ये जो तिब्बत लोग हैं वो तिब्बती लोग यहाँ पे आए थे तो यहाँ के लोग उसको शरण दिए थे यहाँ पे। तो वही लोग का यहाँ पे देख सकते हैं आप जो ऊपर ये दिख रहा है बना हुआ ये सब, तो वही लोग का है। और यहाँ पे ये लोग का एक मंदिर भी है, बौद्ध मंदिर। तो चलेंगे और यहाँ पे देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है। पता नहीं डैम है नहर है, लेकिन ये पुल बना हुआ है और पुल से इस तरफ से। तो गाइस यही है सुंदर यहाँ का लोकेशन। और अभी शाम का लगभग 5:10 हो चुका है। तो चलिए देखते हैं और क्या क्या है। फिलहाल अभी तक हम लोग रूम वूम नहीं लिए हैं तो थोड़ा सा हम लोग रूम भी लेंगे उसके बाद आज थोड़ा सा आराम करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ही थक चुके हैं। जुमा की तय होने वाला है गाइस, देख सकते हैं लड़का। दोस्तों यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हवा चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं पीछे। और यहाँ पे अभी अभी से ही पूरा कुहासा दिख रहा है, देख सकते हैं वहाँ पे आप लोग। लगता है ये पूरा अभी एकदम शीत से पूरा ढक जाएगा। तो चलिए अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं चौक की तरफ और देखते हैं रहने का हम लोग पहले व्यवस्था कर लेते हैं उसके बाद घूमेंगे यहाँ पे। गाइस देखिए अभी मेरे पीछे में तो ये है यहाँ का मेन। और ये देखिए अभी से पूरा शिमला वाला फील आ रहा है। ये देखिए चारों ओर कितना कुहासा दिख रहा है, आप लोग ध्यान से देखिए पेड़ को। फ़ोन में ज़्यादा कवर नहीं कर पा रहे हैं लेकिन देखिए यहाँ से कौन सा चीज़ कितना दूर है सब पता चल जाएगा। अंबिकापुर यहाँ से 47 किलोमीटर है और एक एयरपोर्ट है दरीमा वो 33 है, बाकी सब आप देख सकते हैं। और देखिए गाइस कितना ज़्यादा एकदम शिमला वाला फील आ रहा है। तो गुड मॉर्निंग गाइस, आज हम लोग का मेन पार्ट में दूसरा दिन है और अभी सुबह सुबह 6:00 हम लोग उठ के फ्रेश हो चुके हैं। और अभी देखिए ये बाहर का नज़ारा शूटिंग कर रहा है और बाहर चल के आपको दिखाएंगे। बहुत ज़्यादा एकदम कुहासा है, पूरा शिमला वाला फील आ रहा है। तो अभी हम लोग जस्ट निकल रहे हैं। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं सबसे पहले उल्टा पानी, जहाँ पे पानी उल्टा बहता है। तो चल के देखेंगे कि सच में उल्टा पानी बहता है या सिर्फ दिखाया गया है। तो हम लोग वहाँ पे टेस्ट भी करेंगे कि पानी किस तरह उल्टा बहता है। और फिलहाल आप लोगों को बाहर का सीन दिखाने का कोशिश करते हैं, अगर शायद आप लोगों को दिख जाए तो कि किस तरह दिखाई दे। ये देखिए कितना सुंदर अभी दिखाई दे रहा है एकदम। और अभी हम लोग हिल की तरफ चलेंगे तो वहाँ से और ज़्यादा कुहासा दिखेगा। तो गाइस यही हम लोग का रूम था,
अभी फ़िलहाल हम लोग जस्ट निकलने वाले हैं, तो चलिए मिलते हैं हम लोग एक मस्त स्पॉट पे। तैयार है? तैयार। सुल्तान भाई भी तैयार है, ये अभी अपना टेंट वेंट लेके तैयार है। तो चलिए मिलते हैं अब वहीं जाके, और बने रहिए ब्लॉग में और एंजॉय करते रहिए।